आने वाला 670 डेज से लेके 690 डेज जो है वो यहाँ पे बिटकॉइन के लिए या ओवरऑल क्रिप्टो एंथुजियास्ट के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे धमाकेदार हो सकता है। क्यों? देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट का बुल सीजन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। बीटीसी जो है वो यहाँ पे ऊपर की दिशा में जा रहा है। अभी यहाँ पे रिसेंटली ऑल्ट कॉइन्स भी जाएंगे। बीटीसी का डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे नीचे की दिशा में एक दो दिन में आएगा, तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में हमको पंप देखने को मिलेगा। और आने वाला कुछ दिनों में यहाँ पे हम सबको पता है बीटीसी का एक महा इवेंट है जो कि है बीटीसी हल्विंग, बिटकॉइन का हल्विंग। अब बिटकॉइन का हल्विंग के बाद जो है वो इनिशियल फेज पे हमको यहाँ पे कुछ दिन मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन फिर से यहाँ पे रिवर्स स्विंग लेके मार्केट जो है वो ऊपर की दिशा में जाता है, हम सबको पता है। तो आने वाला टाइम में यहाँ पे बिटकॉइन का, बीटीसी का फ्यूचर क्या होगा, साथ ही साथ ऑल्ट कॉइन का फ्यूचर क्या होगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, इंपॉर्टेंट होगा, कंप्लीट देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमें पहली बार देखा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर देना, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे सिंपल अनसेन एंड यू वाचिंग क्रिप्टो केबल। बिटकॉइन का अगर हम बात करें, दुनिया में सबसे यहाँ पे पॉजिटिव कंट्री जो है वो यहाँ पे एल सल्वाडोर। अब यहाँ पे एल सल्वाडोर का एल सोंते नाम का यहाँ पे जो शहर है, वहां पे बीटीसी जो है उसको यहाँ पे ट्रेड में यूज किया जा रहा है। मतलब कुछ भी खरीदारी लेन देन में सब कुछ चीजों में यहाँ पे यूज किया जा रहा है। बीटीसी का पॉपुलैरिटी जो है वो ओवरऑल ग्लोब में, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में यहाँ पे पॉजिटिव तरीके से यहाँ पे बढ़ रहा है। इसका डोमिनेंस का अगर हम बात करें, इसका यूज, इसका यूज केसेस का अगर हम बात करें, एल सल्वाडोर का जो प्रेसिडेंट है री इलेक्ट होकर फिर से आए हैं नाइब बुकेले, वो हमेशा से यहाँ पे बिटकॉइन का प्रो थे। और अभी यहाँ पे रिसेंटली बिटकॉइन को उन्होंने काफी ज्यादा डिप में बाय किया था, और अभी यहाँ पे जितना भी करीब करीब 50-80% हम बोल सकते हैं उतना वो लोग यहाँ पे पॉजिटिव में है, प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें उसको, ये तो है एल सल्वाडोर। अगर हम बात करें दूसरा और एक जगह जो कि है फ्रैंकफर्ट, यूरोप का यहाँ पे बैंकिंग कैपिटल है, तो वहां पे फ्रैंकफर्ट पे जो है जितना भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स है या बड़े बड़े यहाँ पे दिग्गज जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिटकॉइन को लेके उतना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। लेकिन बावजूद उसका अगर हम बात करें, फ्रैंकफर्ट का यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट जो स्कूल है वहां का अगर हम बात करें, सीईओ या डीन का अगर हम माने एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने डेफिनेटली ये चीजें जो है दर्शाया है कि आने वाला टाइम में डेफिनेटली यूरोप में बीटीसी का बहुत ही ज्यादा यहाँ पे नीड जो है वो बनेगा। अब वो किस हिसाब से बनेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे डे बाई डे जो है इन्फ्लेशन यूरोप का यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, तो एट अ टाइम विल कम जब यहाँ पे बीटीसी का यहाँ पे इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होगा। उसका टेक्नोलॉजी का तारीफ जो है हर वो बंदा करता है, हर वो यहाँ पे फर्म्स करता है, इन्वेस्टर्स करते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली करते हैं। तो बहुत ही चीजें जो है वो यहाँ पे, अगर हम बात करें पॉजिटिव साइड में, यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। कैलिफोर्निया भी यहाँ पे काफी पॉजिटिव मूव्स जो है वो यहाँ पे बीटीसी को लेके, बिटकॉइन को लेके यहाँ पे काफी चीजें जो है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल ग्लोब में यहाँ पे बीटीसी को लेके कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा या ज्यादा अगर हम बात करें उसका यहाँ पे पॉजिटिव साइड में, ओवरऑल इवेंचुअली अगर हम बात करें थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पे साइड में टिल्टेड है बीटीसी का। टेक्नोलॉजी को लेके सतोशी नाकामोटो ने जब यहाँ पे बीटीसी को यहाँ पे लाया था, मतलब 21,000 बीटीसी ही बनेगा इसका यहाँ पे एक स्कैसिटी बना के रख दिया था पहले से ही। गोल्ड जैसे कभी भी यहाँ पे कहीं भी अगर हम बात करें, अगर माइनिंग होगा तो गोल्ड निकल के आ सकता है, वो यहाँ पे हाँ उसका डेफिनेटली उसका स्कैसिटी भी है, लेकिन कभी भी कहीं से भी यहाँ पे निकल करके माइन होके यहाँ पे आ सकता है, कहीं से भी कोई यहाँ पे एसेट का जो सप्लाई जो है वो यहाँ पे आ सकता है। नो डाउट कि यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं पे भी होगा, यहाँ पे दुनिया में कहीं भी किसी भी गुमनाम जगह पे अगर गोल्ड पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली वो यहाँ पे सप्लाई में आएगा, तो गोल्ड का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा। अब फिएट करेंसी का तो बात छोड़ ही देते हैं, वो दूसरा लेवल का है, लेकिन बीटीसी का यहाँ पे ऐसा टेक्नोलॉजी है, ऐसा बनाया गया है कि 2140 में जाके जब लास्ट बीटीसी माइन होगा तब जो है आप यहाँ पे सोच के देखिए बीटीसी का प्राइस जो है वो क्या होगा। लास्ट बीटीसी 2140 तक ही माइन होगा, 21 मिलियन बीटीसी जो है वो यहाँ पे माइन होगा। अब ये चीजें जो है डेफिनेटली टेक्नोलॉजी वाइज, यूज केस वाइज या सब कुछ चीजें डिफ्लेशनरी एसेट के तौर पे, सब कुछ का तौर पे यहाँ पे काफी पॉजिटिवली काम कर रहा है बीटीसी का। अगर हम बात करें फ्यूचर जो है वो काफी ज्यादा ब्राइट है। अभी यहाँ पे यूएस में हमने रिसेंटली देख ही लिया है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, फर्म है, ब्लैक रॉक है, फिर फिडेलिटी है, फिर ग्रेस के लिए सभी के सभी का यहाँ पे ईटीएफ जो है बीटीसी स्पॉट ईटीएफ वो यहाँ पे अप्रूव हुआ है। तो आने वाला समय जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है बीटीसी के लिए। अगर हम बात करें, चलिए आज यहाँ पे चलते हम चार्ट पे देखते हैं कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसके चलते हमको आने वाले समय में यहाँ पे बीटीसी को छोड़ के, देखिए
ओवरऑल बीटीसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीटीसी को छोड़ के ऑल्ट कॉइन्स जो है वो भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, उनका भी यूज केसेस, उनसे हमें प्रॉफिट जो है वो काफी अच्छा मिलता है। तो चलिए देखते हैं हमको ऑल्ट कॉइन्स में कभी यहाँ पे पंप जो है वो हमको देखने को मिलेगा। कुछ चीजें इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे स्क्रीन पे, तो चलिए सीधे स्क्रीन करेंटली आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बीटीसी जो है उसका अगर हम बात करें आज का दिन प्राइस जो है 51,700 और 500 का आसपास जो है वो यहाँ पे चल रहा है। मतलब बीटीसी का यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउनग्रेड जो है वो आ रहा है, मतलब एक पोजिशन पे यहाँ पे हॉल्ट जो है वो ले रहा है। अब अगर हम बात करें बीटीसी डोमिनेंस का तो यहाँ पे देख सकते हैं बीटीसी डोमिनेंस जो है वो भी यहाँ पे हॉल्ट ले रहा है और कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे नीचे का दिशा में नेगेटिव सेंटीमेंट्स में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब बीटीसी बाई करने का, बीटीसी का डोमिनेंस जो है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में, तो ये चीज जो है काफी ज्यादा बेनिफिटेड होता है ऑल्ट कॉइन्स के लिए। अगर हम बात करें जब यहाँ पे बीटीसी का डोमिनेंस जो है वो नीचे आता है तो ऑल्ट कॉइन्स में यहाँ पे पंप होता है, ऑल्ट कॉइन्स में पैसा जो है वो इंक्रीज होता है। करंटली आज का दिन अगर हम बात करें ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी जितना भी लोगों के पास है, स्पेशली बीटीसी, बीटीसी का 94.5% बीटीसी जो है होल्डर्स वो यहाँ पे पॉजिटिव में है, प्रॉफिट में है। तो डेफिनेटली ये चीज जो है वो ये दर्शाता है कि बहुत ही जल्दी हमको एक बहुत बड़ा सेल ऑफ जो है वो बीटीसी का प्राइस में देखने को मिलेगा। अभी देखने को मिले या रिसेंटली आसपास कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसी के साथ साथ बीटीसी का प्राइस डाउन में आएगा, इसका डोमिनेंस जो है वो डिक्रीज होगा, ऑल्ट कॉइन्स में बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी जो है वो यहाँ पे फ्लो होगा, क्योंकि प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट निकाल के ऑल्ट कॉइन्स में लोग जो है वो जाके इन्वेस्ट करेंगे। डेफिनेटली ये चीज जो है बाकी जितना भी कॉइन्स है, हमारा सोलाना है, इथेरियम है, बाकी जितना भी टोकन्स है, कॉइन्स है, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, वो उनमें जाके यहाँ पे पैसा फ्लो होगा। कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन्स के बारे में हमने कल के वीडियो में बात किया था, वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे या एंड कार्ड में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज जो है वो आप नजर रखना, यहाँ पे डोमिनेंस जैसे ही यहाँ पे डाउन होगा तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में आपको पंप देखने को मिलेगा। इथेरियम में भी यहाँ पे देख सकते हैं होल्ड पोजीशन जो है वो यहाँ पे एक फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रो क्रिप्टो कैंडिडेट विंस वीपी स्लॉट इन इंडोनेशिया प्रेसिडेंशियल रेस, और ये चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है जब यहाँ पे एक प्रो प्रेसिडेंट या प्रो कैंडिडेट, बिटकॉइन प्रो कैंडिडेट या अगर जो है इलेक्शन जीतते हैं, जैसे यहाँ पे नायब बुकिली हो गया या अदर अदर गवर्नमेंट में, अदर कंट्रीज में, यहाँ पे जब भी एक प्रो क्रिप्टो या प्रो बिटकॉइन जो है बंदा अगर कोई भी इलेक्शन जीतता है तो वो यहाँ पे ओवरऑल क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए काफी अच्छा चीज होता है, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी पता होता है, वो यहाँ पे और भी जो है फर्दर पुश दे सकता है क्रिप्टो करेंसी में या टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट न्यूज, माइक्रो स्ट्रेटजी लिस्टिंग इन द S&P 500 इंडेक्स कुड एक्सपोज मिलियन टू बिटकॉइन। डेफिनेटली माइक्रो स्ट्रेटजी का यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो बीटीसी में है, ऑब्वियसली हमने यहाँ पे ETF का तौर पे यहाँ पे हमने देख ही लिया है। तो ये अगर होगा डेफिनेटली उनका जो है इन्वेस्टमेंट लोगों का माइक्रो स्ट्रेटजी में बढ़ेगा, साथ ही साथ माइक्रो स्ट्रेटजी में ऑलरेडी लिस्टेड है बिटकॉइन फ्यूचर ETF, उसमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये सभी चीजें जो है वो कनेक्टेड है, ये हमको एक प्रो आने वाले टाइम में एक पॉजिटिव वाइब जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो बिटकॉइन में यहाँ पे फ्लो होगा, नो डाउट। यहाँ पे अगर हम बात करें ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव दिशा में यहाँ पे जा रहा है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन का अगर हम बात करें 1.93 ट्रिलियन जो है वो यहाँ पे चल रहा है। जब यहाँ पे 2 ट्रिलियन मार्केट कैप जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप 1.93 ट्रिलियन, जब यहाँ पे 2 ट्रिलियन का मार्केट कैप जिस बार क्रॉस करेगा, हमको मार्केट में एक बहुत बड़ा यहाँ पे पंप जो है वो देखने को मिलेगा। अब ये चीज भी यहाँ पे ध्यान रखना, जब हल्विंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा करीब है, हल्विंग होने के साथ साथ यहाँ पे कुछ दिनों में एक शायद यहाँ पे बहुत बड़ा एक नीचे का करेक्शन जो है वो यहाँ पे ले सकता है, कुछ फंड्स जो है वो भी यहाँ पे मार्केट में आ सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे तैयार रहना। तो ये चीजें जो है डेफिनेटली हमको आने वाले टाइम में बिटकॉइन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर आप बात करें आने वाले टाइम में कैसे आपको चीजें जो है या नया नया इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे आपको पा सकते हैं इमीडिएटली, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाके ज्वाइन कीजिए। हम आने वाले टाइम में जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें होगा बीटीसी का डोमिनेंस को लेके या कोई भी चीजों को लेके, जब भी इंपॉर्टेंट चीजें आएगा हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इन चीजों के ऊपर आप नजर रखिएगा, आने वाले टाइम में हमको बीटीसी जो है एक बहुत बड़ा रैली के लिए प्रिपेयर होते हुए नजर आ रहा है, नो डाउट। यहाँ पे बीटीसी जो है $1,00,000 $2,00,000 तक भी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में बीटीसी उतना जा सकता है, अगर जाता है तो हमारा पोर्टफोलियो कहाँ से कहाँ तक जाएगा या 15,000 भी नहीं लग सकते। अब काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि बीटीसी क्या अभी हाथ से निकल गया है, क्या हम बाई नहीं कर सकते, क्या अभी बहुत ऊपर चला गया है? इसका आंसर डेफिनेटली यहाँ पे नो, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी यहाँ पे मौका है बीटीसी में एंट्री बनाने का, क्योंकि बीटीसी का बिटकॉइन का रैली जो है वो बहुत ही लंबा चलने वाला है, बहुत ही दूर तक जाएगा ये। तो इसलिए नो डाउट यहाँ पे आपको यहाँ पे काफी अच्छा एक पोजीशन बना सकते हैं, और सबका पोर्टफोलियो में अल्टीमेटली अदर ऑल्ट कॉइन्स हो या ना हो वो तो होना ही है, होगा आपका पोर्टफोलियो में, लेकिन साथ ही साथ बिटकॉइन कुछ चंक ऑफ कॉइन जो है
वो आपके पास होना चाहिए। 1,000 रुपए का, 500 रुपए का, 10,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का, जितना भी हो सके थोड़ा बहुत यहाँ पे खरीदारी करके बिटकॉइन जो है वो रख लीजिए। उसको प्रॉफिट में नहीं, आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट जो है वो आपको नजर आएगा, जब इत्तु इत्तु करके जो है वो सोनार का दुकान में मिलेगा। अब तो सोनार का दुकान में भी नहीं मिलेगा, उसका इतना जो है वो कीमत हो जाएगा। तो ये चीजें आप माइंड में रखेंगे, बीटीसी जो है आपका पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत यहाँ पे होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट दो कॉइन के बारे में, दो स्ट्रॉन्ग कॉइन और दो मीम कॉइन कैसे आप निकाल के सकते हैं उसके बारे में हमने और एक वीडियो में बात किया है, साइड में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कीजिए जाके वो वीडियो के देखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर देना। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।